स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। डैड, अगर मुझे बटर चिकन नहीं मिला तो बिना खाए चली जाएगी? नो, मैं पूरे घर में, पूरे के पूरे घर में बटर और चिकन फैला दूंगी। का है मुर्गी? सुहाना, का है बताओ? सुहाना, मैं बटर चिकन खा के रहूंगी। आई मन इस संसार में भांति भांति के लोग। हाय हाय, कहाँ जा रहा है हनीमून पे? आया चाचू ने स्पॉन्सर किया तो फरुखाबाद टाइप की जगह होगी। थप्पड़ मारूंगा तेरे, समझा ना? अरे पहले टिकट देख उसके बाद बोलियो। डिनर एक घंटे में रेडी हो जाना चाहिए। ईशान, तुम बता दो तुम क्या खाओगे? अरे कुछ भी, ये कोई होटल थोड़ी है कि मैं ऑर्डर करूंगा यहाँ पे। लेकिन मेरे लिए बटर चिकन और मलाई कोफ्ता बना दीजिएगा। सॉरी सोहना बेबी, द्वितीय और तृतीय में मांसाहारी भोजन नहीं बन सकता। What? आप समझी नहीं, दादी जी आ गई है ना। आई डोंट केयर, मुझे सोहना, बुजुर्ग जस्ट शट अप ईशान, मुझे बटर चिकन खाना है बस। सोहना कोई बात नहीं, हम वेज खा लेंगे। ईशान शट अप, मैं बटर चिकन खा के रहूंगी, ये मेरे डैड का घर है। तो दिस इज नॉट फेयर। ईशान के पापा के घर में तुम्हारी चलती है ना, तो यहाँ पर ईशान की भी चलनी चाहिए। वो मेरा घर है। आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए मेरे लिए बटर चिकन बनाइए। जी। आप ये शशिकला आंटी को बोल दीजिए मुझसे दूर रहे। She better maintain safe distance. Thank God दीदी, आज आपकी वजह से हमें नॉनवेज खाने को मिलेगा, वरना दादी जी की वजह से तो उफ। संजू। डैड, आप संजू पे क्यों चिल्ला रहे? आपकी आंटी जी भी कुछ कम है क्या? जब देखो टेक ओवर करना चाहती हैं, पता नहीं कौन से प्लेनेट के रूल्स फॉलो करती हैं वो। दीदी आप दो तीन दिन के लिए यही रुक जाइए ना, आई एम श्योर दादी जी यहाँ से खुद ही भाग जाएंगी। क्यों जीजू, आप अपना हनीमून यही मना लीजिए ना। संजू, बाय द वे डैड, आपकी मासी जी कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। एंड हाउ डेयर शी, उन्होंने ईशान से मिलने से मना कैसे कर दिया? जमाई बाबू, मासी जी आइए आइए। जमाई बाबू कहाँ है जी? अरे यहाँ है। अब बेटा प्रणाम करो और पैर छुओ। जी नमस्ते। जी तेरा हो। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी सूरत देखे बिना ही चली गई थी। क्या है, हमारे यहाँ खाली हाथ दामाद को मिलना, उसे देखना, ये सब अपशगुन माना जाता है ना। अरे नहीं नहीं, कुछ कुछ मत दीजिए आप, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही ठीक है। सुना आपने मासी जी, लाखों में एक हीरा चुना है मैंने। अरे नहीं नहीं, मेरे हाथ से तो ये मुंह दिखाई लेनी पड़ेगी तुम्हें, वरना भगवान ना करे कोई अपशगुन हो जाए तो। ओ, तो आप कुछ लेकर आई हैं? चलिए दीजिए। चुप कर, पति परमेश्वर के सामने भी पटर पटर जबान चल रही है तेरी। दादी जी अब जो लेके आई है वो दीजिए ना। जमाई बाबू हाथ बढ़ाइए। ये लीजिए। ये क्या है? शगुन है। शगुन? शगुन के रुपए है भाई। शगुन के रुपए कितने?
पूरे 11। मिसेस शांति चिंतामणि शुक्ला, ये ईशान कश्यप है, सुहाना कश्यप का हस्बैंड। आपने इसकी प्राइस सिर्फ 11 रुपए लगाई? सुहाना कोई बात नहीं, ये उनका आशीर्वाद है। जी शराब ईशान। अरे अपने पति को ऐसा कह रही है? ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी कमल किशोर। रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। सुहाना बेटे, ईशान ठीक कह रहा है, आशीर्वाद की कीमत नहीं लगाई जाती। डैड, सुहाना दीदी, चिकन बोनलेस बनाऊं या के? चिकन? इस घर में चिकन कहां से आया? मैंने कहा था ना, एकादशी से पहले इस घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनेगा। देखिए, हमारे दामाद जी आए हैं घर में, इसलिए कल से हम वेज शुरू कर लेंगे घर पे। कमल किशोर, ऐसा पाप हम अपने दामाद से भी क्यों करवाएं? क्यों जमाई बाबू, आपको शाकाहारी भोजन से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अपने हाथों से आपके लिए कटहल की भाजी और कुल्थी की दाल बनाती हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं बटर चिकन खाऊंगी और ईशान भी बटर चिकन खाएगा। डैड, अगर मुझे बटर चिकन नहीं मिला तो बिना खाए चली जाएगी? नो, मैं पूरे घर में, पूरे के पूरे घर में बटर और चिकन फैला दूंगी। काय मुर्गी? सुहाना, काय बताओ? सुहाना, मैं आज बटर चिकन खा के रहूंगी। नहीं, मैंने इस संसार में भांति भांति के लोग। इसे कहते हैं प्यार। देखो ईशान अपनी प्यारी सी बीवी का कितना ख्याल रखता है। प्यारी सी बीवी का सभी ख्याल रखते हैं रानी। रजनी भाभी, आप कुछ समझी कि नहीं? इंदर भैया के कहने का मतलब ये है कि आप प्यारी नहीं है। अरे क्या भैया, मतलब आपको हमारी इतनी प्यारी भाभी प्यारी नहीं लगती? क्यों चुप करा रहे उसे? तुम्हारे कहने का मतलब वही तो था। अरे नहीं नहीं, क्या बात करे रानी, तुम तो बहुत प्यारी हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं। अरे पोस्टर छपा दूं रानी। हाँ पता लगा मुझे। इंदर भैया आप कितने फिल्मी है। नहीं, बचपन से ऐसे ही है ये। चुप कर, आप रहने दो। हेलो, आप भी कुछ कम नहीं हो, आने तो दिशा भाभी को। कहाँ है, जरा बुलाओ उन्हें। अबे अबे मैं तेरी साइड ले रहा हूँ, तू मेरे पीछे पड़ गया। और साइड ले, और साइड ले। अच्छा देखो, भगवान क्या हो गया तुम लोग को? खाना खाते वक्त तो शांति रखो ना। इन लोगों का हंगामा ना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। राधा बुआ, इंदर भैया और अलेश भैया हंगामा कर रहे हैं। और ये ईशान, वो क्या मुंह में रसगुल्ला दबाए हुए बैठा था? क्या हो गया तुम्हें सुहाना? तुम इतना बदल जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भैया भैया, मैं भी आजकल देख रहा हूँ, पर ये सुहाना ना हमेशा ईशान की साइड लेती है। पार्टी बदल ली इसने। अरे भाई, उसकी पत्नी है, अपने पति को सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या तुम दोनों को करेगी? अब सुनो, सीखो। तुम सीखो ना पहले। अरे ईशान यहीं पे है। चलो अच्छा है, तेरी टिकटें आ गई है बेटा। अरे हनीमून जा रहे ना? हाय हाय, कहाँ जा रहा है हनीमून पे? यार चाचू ने स्पॉन्सर किया तो फरुखाबाद टाइप की जगह होगी। थप्पड़ मारूंगा तेरे, समझा ना? अरे पहले टिकट देख, उसके बाद बोलियो। कहाँ जा रहे? दिखा दिखा। गोवा?
गोवा? गोवा? वाव! भाई मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक्स पापा। थैंक्स फ्रेंड्स, बाद में। अब एक बात कान खोल के सुन ले। देख, टिकट के पैसे मैंने भर दिए हैं। वहां पे रहने का बंदोबस्त मैं होटल में करवा दूंगा, लेकिन बाकी का सारा खर्चा तू खुद भरियो, समझा? क्या आलोक, आप भी ना? क्या छोटे भैया, आप भी ना हमेशा पैसे गिनते रहते हैं। और नहीं तो क्या करना पड़ता है? सुहाना, जल्दी से खाकर पैकिंग शुरू कर देना। हाँ, आज रात को ही निकलना है। रियली? और सुनो प्लीज, इस बार गलती से भी अपने आप को सुहाना बाजपे मत बता देना। हाँ, पता चला चाचू फिर से तुम दोनों को जेल से छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप करना, शुभ शुभ बोलो भाई। नहीं नहीं नहीं, क्यों, एक एक छोटा सा टेस्ट ले ही लेते हैं ना। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है सुहाना? सुहाना कश्यप। अच्छा एक मिनट, दोनों कान खोल के सुन लो। इस बार वाकई कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और तू ओए, हर बार यूं यूं मत करते रहियो पूरी जर्नी में, थोड़ा ख्याल रखियो सुहाना का, समझे ना? ईशान, ये टिकट कुछ अलग नहीं दिख रही है, isn't it different? नहीं तो ट्रेन की टिकट तो ऐसे ही होती है सुहाना। What? हम ट्रेन से जा रहे हैं? सुहाना बेटे, तुमने आज तक ट्रेन से सफर नहीं किया? अब सुहाना बेटा, राजे ये 2 टायर AC की टिकट है और 2021 है वेटिंग लिस्ट। मैंने PNR नंबर दे दिया है, वो चार्ट निकलने से पहले कंफर्म हो जाएगा। अरे सुहाना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो AC 2 टायर की जो बर्थें होती है ना, बड़ी चौड़ी चौड़ी होती है, और तकिया ब्लैंकेट भी वहीं मिलेगा, आराम से मुंह ढक के सो जाना। हा? और वो हर स्टेशन पे वो आता है ना, गरम चाय गरम समोसा, और वहाँ पे चाय समोसा ले लेना, बस खाते पीते यूं गोवा पहुंच जाओगी। हाँ, और तुम्हें ट्रेन में ट्रैवल करने का एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। सुहाना देखो बेटा, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए हवाई जहाज के टिकट तो नहीं करा सकते, नो बड़ी मां, इट्स ओके, मैं जाऊंगी। इसी बहाने मेरा फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये हुई ना बात, देखा सुहाना ने कितनी समझदारी की बात की। इसे पता है जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। नो बड़ी माँ, चादर की क्या जरूरत है, इंद्र भैया ने कहा ना वहां ब्लैंकेट मिलेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।